हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियोकॉन ने किया 3,250 करोड़ बैंक घोटाला। पीएमओ को पत्र लिखने के बावजूद नहीं हुई सख्त कार्रवाई। देश में बैंकिंग घोटाले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद सरकार की ओर से इन घोटालेबाजों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक ने 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। ये लोन बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर की मदद से लिया गया और बाद में इसे एनपीए घोषित कर दिया गया। वीडियोकॉन ग्रुप की 5 कंपनियों को अप्रैल 2012 में 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था। ग्रुप ने इस लोन में से 86% यानी 2,810 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। इसके बाद लोन को 2017 में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया। आरोप है कि वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर को इस सब के लिए फायदा पहुंचाया। इसीलिए पहले धूत को आसानी से लोन मिल गया और उसे न चुकाने पर वो लोन एनपीए घोषित हो गया। एनपीए बैंक के ऐसे लोन होते हैं जिनके वापस आने की उम्मीद नहीं होती और उन्हें बटे खातों में डाल दिया जाता है। कई बार ये माफ भी हो जाते हैं। मोदी सरकार पर सवाल। इस मामले में भी मोदी सरकार पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। मार्च 2016 में आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन में इन्वेस्टर अरविंद गुप्ता ने इस बैंक घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को पत्र लिखा था। इसके बावजूद आज एक साल बाद भी वीडियोकॉन या चंदा कोचर पर कोई सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से सामने नहीं आई है। बता दें कि नीरव मोदी के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला सामने आने के एक साल पहले इस घोटाले के बारे में भी पीएमओ को पत्र लिखा गया था, लेकिन मोदी सरकार की ओर कुछ नहीं किया गया, जिसके बाद नीरव मोदी देश के बैंकों को चूना लगाकर भाग गया। कैसे पहुंचाया चंदा कोचर को फायदा? वीडियोकॉन ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के साथ मिलकर एक कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाई। इसमें कोचर के परिवार और धूत की हिस्सेदारी 50% की थी। दीपक कोचर को इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। जनवरी 2009 में धूत ने इस कंपनी में डायरेक्टर का पद छोड़ दिया। उन्होंने 2,50,000 रुपए में अपने 24,999 शेयर्स भी न्यू पावर में ट्रांसफर कर दिए। मार्च 2010 में धूत ने न्यू पावर कंपनी को अपने ग्रुप की कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 64 करोड़ रुपए का लोन दिया। इसके बाद धूत ने नवंबर 2010 में कोचर की न्यू पावर कंपनी को लोन देने वाली सुप्रीम एनर्जी में अपनी हिस्सेदारी महेश चंद्र पुंगलिया को दे दी। पुंगलिया ने नवंबर 2010 में धूत से मिली सुप्रीम एनर्जी कंपनी की हिस्सेदारी दीपक कोचर की अगुवाई वाले पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट के नाम कर दी। पुंगलिया ने कंपनी में अपने 94.99% शेयर्स महज 9,00,000 रुपये में ट्रांसफर कर दिए गए। इस तरह सुप्रीम एनर्जी से मिले 64 करोड़ रुपए के लोन के मायने नहीं रह गए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।